हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन को डीप स्टडी करने से पहले हमें कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच के डिफरेंस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। कोरिलेशन और कॉजेशन दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं और क्यों हमें कोरिलेशन और कॉजेशन के डिफरेंस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए स्टडी करते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन को। सबसे पहले हम समझते हैं कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन की डेफिनेशन और कोरिलेशन क्या है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर आई मार्क में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो देखते हैं कोरिलेशन क्या है। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के बीच का जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, जिससे हमें पता लगता है कि x और y के रिलेशन की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, उससे हमें पता लगता है कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या है x और y के बीच में। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है x और y के बीच में। यहां पर हमारे पास दो फिगर है। इस फिगर में हमारे पास x और y के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है और डायरेक्शन भी पता लग रही है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जैसे जैसे एक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक उसी हिसाब से वाई के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। जो डायरेक्शन एक्स के मूवमेंट की है, वही डायरेक्शन वाई के मूवमेंट की है, इसलिए ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा फिगर हमें बताता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को। जैसे जैसे चेंजेस एक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक उसके उल्टे चेंजेस वाई के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे एक्स बढ़ता है, ठीक उसी हिसाब से वाई जो है घटते चले जाता है, यानी कि वाई का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले केस में जहां परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था, उस केस में वाई का मूवमेंट एक्स की डायरेक्शन के साथ ही मूव कर रहा था। दूसरे केस में जहां पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसे केसेस में वाई का मूवमेंट ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्स के मूवमेंट के, यानी कि जब एक्स बढ़ता है तो वाई घटता चला जाता है। इसलिए जो ग्राफ है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ है, जबकि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ जो रिलेशनशिप का जो ग्राफ है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ है। ये कोरिलेशन है। इसमें अभी तक हमें ये नहीं पता लगा किसकी वजह से किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कॉज कौन सा है। अभी तक हमें कोरिलेशन के अंदर ये पता नहीं लगा। तो देखते हैं कॉजेशन क्या है। आइए अब कॉजेशन को देखते हैं। कॉजेशन के अंदर हमें कोरिलेशन के साथ साथ ये भी पता लगता है कॉज कौन सा है, यानी कि x इज द कॉज ऑफ चेंज इन y। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर अगर हम दोबारा उस फिगर को देखते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वाले को, तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं x जो है वो कॉज है और y के अंदर उस कॉज की वजह से इफेक्ट आ रहे हैं। ये कह सकते हैं x की वजह से x कॉज है और y इफेक्ट है। इसी तरह से दूसरे फिगर में हम कह सकते हैं x हमारे पास कॉज है और y इफेक्ट है, यानी कि x के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस की वजह से y के अंदर नेगेटिव ऑपोजिट नेगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कॉज x है हमारे पास। चेंज इन y इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन x। y के अंदर जो चेंजेस हैं एज एन इफेक्ट वो x की वजह से हैं। ओके, लेकिन साथ साथ हमें एक बात और पता लगती है इसमें, वो क्या, कोरिलेशन और कॉजेशन कैसे डिफर करते हैं।
सो एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, अगर मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कोरिलेटेड हैं तो एक्स एंड वाई मे और मे नॉट हैव कॉजल रिलेशनशिप। अगर कोरिलेटेड हैं एक्स और वाई तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई के बीच में कॉजल रिलेशनशिप भी होगा, यानी कि हम नहीं कह सकते कि एक्स कॉज होगा और वाई इफेक्ट होगा। लेकिन एक्स एंड वाई हैव कॉजल रिलेशनशिप, अगर एक्स और वाई के बीच में कॉजल रिलेशनशिप है देन वी मस्ट से, हम कह सकते हैं एक्स और वाई दोनों कोरिलेटेड हैं, यानी कि अगर कॉजल रिलेशनशिप होगा तो कोरिलेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोरिलेशन होगा तो ये जरूरी नहीं है कि कॉजल रिलेशनशिप हो ही हो, राइट? आइए आप देखते हैं किन कारणों की वजह से, किन वजह से कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। सो प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्यों होता है? तीन कारणों की वजह से, या तो म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से, दो वेरिएबल्स आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट हो, या बाय चांस कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, और तीसरा कोई थर्ड कॉमन फैक्टर हो, दोनों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर। आइए इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस का। म्यूचुअल डिपेंडेंस को जब हम देखते हैं, व्हेन एक्स एंड वाई अफेक्ट ईच अदर म्यूचुअली, यानी कि ये पता नहीं है कि एक्स वाई को इफेक्ट कर रहा है या वाई एक्स को इफेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इफेक्ट कर रही है, ओके? ऐसे केसेस में वी कांट से एक्स इज द कॉज और वाई इज द कॉज, कौन सा कॉज होगा हमें पता नहीं, एक्स भी कॉज हो सकता है वाई भी कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। किसी कमोडिटी का प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से अफेक्ट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस में हमारे पास प्राइस और डिमांड के बीच में हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कमोडिटी की घटती चली जाती है, ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहां पर डिमांड के गिरने का कारण है प्राइस का बढ़ना, ओके? यानी कि प्राइस कॉज हो गया यहां पर। दूसरे केस में हम देखते हैं, यह परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस केस में डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस भी बढ़ते चला जाता है। इस केस में डिमांड का बढ़ना कॉज है प्राइस के बढ़ने के। प्राइस जो बढ़ रहा है कमोडिटी का, वो किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि कमोडिटी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर परफेक्ट या हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है डिमांड और प्राइस के अंदर। यहाँ पर कॉज कौन सा है? डिमांड कॉज है। पहले केस में कॉज कौन सा था? प्राइस। यानी कि प्राइस एंड डिमांड म्यूचुअली कोरिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस का केस है जहां पर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट? आइए दूसरा केस देखते हैं, ड्यू टू प्योर चांस। किसी छोटे सैंपल के अंदर हम देखें, सो हो सकता है कि एक्स और वाई हाईली कोरिलेटेड हो, लेकिन लार्ज सैंपल में ये जरूरी नहीं है एक्स और वाई दोनों कोरिलेटेड हो। एक एग्जांपल लेते हैं, कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड वेट ऑफ ए पर्सन। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है या कैसा कोरिलेशन मिलता है? हमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे एनुअली अगर हम उसकी इनकम देखते हैं तो एनुअली जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है उसका वेट बढ़ते चले जाता है। सो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है। सो इनकम और वेट किसी एक पर्सन के लिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। सच कोरिलेशन मे बी ड्यू टू, इस तरह का कोरिलेशन जो होगा वो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से होगा या इन्वेस्टिगेटर के बायसनेस की वजह से होगा, जो सैंपल जिसने सिलेक्ट किया है। क्यों ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि हम लार्ज लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर पर्सन की जब भी इनकम बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। यूनिवर्सली तो हम ऐसा नहीं कह सकते। रैंडमली किसी एक पर्सन को जब हमने स्टडी किया तो ये पाया कि उस पर्सन की इनकम जैसे जैसे बढ़ रही थी सालाना, उसका वेट भी एनुअली बढ़ते चले जा रहा था। लेकिन यूनिवर्सली हम नहीं कह सकते कि हर पर्सन की इनकम एनुअली जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उसका वेट भी बढ़ता चला जाएगा। सो इस तरह का जो कोरिलेशन होगा ये ड्यू टू प्योर चांस होगा, ये बाय चांस की बात है। और इस तरह के रिलेशन को हमेशा कहा जाता है नॉनसेंस या स्पूरियस रिलेशनशिप। तो ये ड्यू टू इस तरह का जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ प्योर चांस की वजह से एग्जिस्ट करेगा। सो दो केस हमने स्टडी कर लिए, पहला केस था म्यूचुअल डिपेंडेंस का और दूसरा केस है हमारे पास प्योर चांस की वजह से जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तीसरे केस में कोरिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं थर्ड कॉमन फैक्टर की वजह से। अब ये थर्ड कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है हमारे पास, एक्स और वाई, जिनके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। दोनों ही कोरिलेटेड हो सकते हैं ड्यू टू सम कॉमन थर्ड फैक्टर, किसी तीसरे फैक्टर की वजह से एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ टी एंड राइस पर हेक्टेयर, राइस का प्रोडक्शन और टी के प्रोडक्शन के बीच में हमें मिला एक कोरिलेशन मिलता है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। जैसे जैसे टी का प्रोडक्शन एनुअली हमें मिला, ठीक उसी तरह से हमें राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ मिला। दोनों के बीच में हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन मिला जब हमने स्टडी किया था। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जैसे जैसे टी का प्रोडक्शन बढ़ रहा था उसी हिसाब से, उसी की वजह से राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि टी और राइस के प्रोडक्शन में कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते। इसको सपोज कीजिए एक ही फील्ड पर या एक ही खेत के अंदर टी का प्रोडक्शन भी किया गया और फिर राइस का प्रोडक्शन भी किया गया और हमें मिला कि जैसे जैसे टी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसी फील्ड के अंदर राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि टी के प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये तीसरे कॉज की वजह से, इसका कॉज कोई थर्ड फैक्टर है और वो क्या है? गुड रेनफॉल वेल इन टाइम। रेनफॉल का अच्छा होना और टाइम से होना इन दोनों के अच्छे प्रोडक्शन का कारण है। सो ये जो होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये इसके अंदर टी कॉज नहीं होगा राइस का, तो यहां पर कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। इन दोनों के अच्छा प्रोडक्शन या हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का कारण क्या है? गुड रेनफॉल वेल इन टाइम। बारिश जो है समय से हुई है और अच्छी बारिश हुई है, तो ये कॉजल रिलेशनशिप और कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस था। तो अब हम ये समझ चुके हैं कोरिलेशन क्या है और कॉजेशन क्या है। सो कोरिलेशन एक बार फटाफट से रिपीट मैं आप करके बता देता हूं आपको। दोनों ही ग्राफ्स के अंदर, कोरिलेशन के अंदर एक्स एंड वाई कोरिलेटेड तो होंगे लेकिन एक्स मे और मे नॉट बी द कॉज ऑफ चेंज इन वाई। एक्स वाई का कॉज, वाई के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका कॉज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कॉजेशन के केसेस में व्हेन एक्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन वाई, जब एक्स वाई के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका कॉज होगा, तो ऐसे केसेस में कोरिलेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। यहां पर कोरिलेशन तो होगा ही होगा जब कॉजेशन होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, कोरिलेशन कॉजेशन से किस तरह से डिफर करता है, या यूं कहें कि कॉजेशन कोरिलेशन से किस तरह से डिफर करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर
ज़रूर अपने फीडबैक शेयर करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कोर्स नोट्स और ईबुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं। जल्दी ही कोरिलेशन एनालिसिस के एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।